नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में वायुमंडलीय दाब, केशिकत्व, आसंजक बल, संसंजक बल तथा पृष्ठ तनाव। तो पहले अपन देखते हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दाब के बारे में अपन ने कल देखा था, आज देखेंगे वायुमंडलीय दाब के बारे में। वायुमंडल में उपस्थित गैसों के द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसे ही वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। यह तो सबको पता है कि वायुमंडलीय दाब क्या होगा। गैसों के द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसी को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब। अब वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है? वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार पास्कल तथा मिली बार। बार पास्कल तथा मिली बार किसका मात्रक है? वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। अब इसमें एक चीज आती है कि समुद्र तल से, ये इंपॉर्टेंट है, समुद्र तल से प्रति 110 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर दाब 1 सेंटीमीटर, जिसे पारा दाब भी कहा जाता है, कम हो जाता है। यानी समुद्र तल से जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे तो प्रति 110 मीटर पर दाब कितना कम हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। ठीक है, अगर पारे पे दाब समुद्र तल पे 10 ATM है तो 110 ऊंचाई पर जाने पर ये कितना कम हो जाएगा? 1 कम हो जाएगा, यानी 9 ATM बचेगा। ये जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो दाब कम होता जाता है, क्योंकि गैस है उसका घनत्व धीरे धीरे कम होता जाएगा ऊंचाई पे जाते जाएंगे। धरातल पे नीचे आएंगे तो गैस ऊपर, जो गैसें हैं उनका अधिक दाब लगेगा क्योंकि उनका घनत्व बढ़ता जाएगा। इसलिए ऊपर जाएंगे तो दाब कितना कम होगा? 110 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर दाब 1 सेंटीमीटर कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब को बेरोमीटर द्वारा द्वारा मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा मापा जाता है? बेरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। बेरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। अगर बेरोमीटर का पाठ्यक्रम एकाएक नीचे गिरता है, तो अगर बेरोमीटर का पाठ्यक्रम एकाएक नीचे गिरेगा तो आंधी आने की संभावना रहती है। क्या रहेगा? एकाएक अगर नीचे गिरेगा तो आंधी आने की संभावना रहेगी। अगर बेरोमीटर का पाठ्यक्रम धीरे धीरे नीचे गिरे बेरोमीटर का पाठ्यक्रम अगर धीरे धीरे नीचे गिरे तो वर्षा की संभावना रहती है।
क्या रहेगी, वर्षा की संभावना रहेगी। अगर बेरोमीटर का पाठ्यक्रम धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहेगा। इसके आधार पर वैज्ञानिक पूर्व अनुमान लगाते हैं कि आंधी कब आएगी, वर्षा कब आएगी और दिन साफ कब रहेगा। अगर पाठ्यक्रम एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना रहेगी। अगर धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा की संभावना होगी। अगर पाठ्यक्रम धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना रहती है। तो ये चीजें हैं वायुमंडलीय दाब के बारे में। ये है वायुमंडलीय दाब के बारे में। अब अपन बात करते हैं आसंजक बल व संसंजक बल, फिर इसके बाद देखेंगे पृष्ठ तनाव। संसंजक बल और दूसरा है आसंजक बल। संसंजक बल व आसंजक बल क्या चीज है? संसंजक बल वो बल होता है जो एक ही पदार्थ के अणु के मध्य कार्य करता है। एक ही पदार्थ के अणु के मध्य कार्य करने वाला बल कौन सा है? संसंजक बल। जबकि दो विभिन्न पदार्थों के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं? आसंजक बल बोलते हैं। एक ही पदार्थ के अणु के मध्य कार्यरत बल संसंजक बल कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थों के मध्य कार्यरत बल आसंजक बल कहलाता है। इसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं और इसे एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स कहते हैं संसंजक बल तथा आसंजक बल। संसंजक बल जो है ये ठोस में सबसे ज्यादा होगा, फिर द्रव में और सबसे कम गैसों में होता है। और सबसे कम गैसों में होता है इसके कारण ही गैसें जो हैं वो विसरित होती हैं। गैसों का विसरण किसके कारण होता है? इनके बीच में जो बल है वो अणुओं के मध्य बल कम होता है गैसों के मध्य, इसलिए इनका विसरण होता है। बाकी ठोस और द्रव है इनका विसरण नहीं होता है, द्रव का केवल प्रसरण होता है। क्योंकि इसके अणु के मध्य स्पेस जो आकर्षण बल है जिसे क्या बोलते हैं संसंजक बल, वो क्या है इसमें कम होता है गैसों की तुलना में। और ठोस में ठोस के जो अणु है उनके मध्य सबसे ज्यादा संसंजक बल पाया जाता है। आसंजक बल, आसंजक बल क्या है? दो विभिन्न पदार्थों के मध्य कार्य करने वाला बल जो है वो क्या है? आसंजक बल है। अब आसंजक बल के आधार पर ही अपन अनुमान लगा सकते हैं कि कोई पदार्थ कोई द्रव किसी ठोस की सतह पर चिपकेगा या नहीं चिपकेगा। जैसे अपन ने बात की कि ये है कांच का बीकर, ये कांच का बीकर है और अगर इसमें कोई द्रव भरा हो, इसमें अगर कोई द्रव भरा हो तो द्रव के अणु दो अणुओं के मध्य क्या बल लगता है? ये द्रव एक जैसा ही, इसलिए इनके बीच में कौन सा बल लगेगा? इनके बीच में संसंजक बल लगेगा। क्योंकि ये जो द्रव है इसके अणुओं के मध्य एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य कार्यरत बल क्या है? संसंजक बल। तो यहां पे बल क्या कार्य करता है? संसंजक बल। यहां पे संसंजक बल कार्य करेगा। जबकि इस कांच के बीकर और द्रव के मध्य
जो बल लगेगा वो क्या है, असंजक बल, वो कौन सा है, असंजक बल। अब द्रव कौन सा द्रव सतह को भिगोएगा, और कौन सा द्रव सतह को नहीं भिगोएगा, यहां समझते हैं। अगर द्रव के अणुओं के मध्य असंजक बल, द्रव के अणुओं के मध्य संसंजक बल इस असंजक बल से अधिक है तो वो द्रव द्रव की सतह को भिगोएगा नहीं, जबकि द्रव के अणुओं के मध्य जो संसंजक बल है उसका मान असंजक बल से कम है तो वो द्रव सतह को क्या करेगा, भिगोएगा। ये चीज समझ में आ गई। कहने का मतलब है ये जो द्रव है इन इस द्रव के दो अणुओं के मध्य जो संसंजक बल कार्य करता है, इस संसंजक बल का मान अगर संसंजक बल का मान अगर असंजक बल से अधिक है तो क्या होगा, वो द्रव को सतह को भिगोएगा नहीं, सतह पर चिपकेगा नहीं या भिगोएगा नहीं, ठीक है। अगर संसंजक बल का मान असंजक बल से अधिक है, सॉरी, अगर संसंजक बल का मान असंजक बल से कम है तो ये क्या करेगा, अगर अगर संसंजक बल का मान असंजक बल से कम है तो द्रव सतह पर चिपकेगा या सतह को भिगोएगा। ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये है संसंजक बल, द्रव ए और द्रव ए के, एक ही द्रव है उसके अणुओं के मध्य संसंजक बल। अगर ये कोई दूसरी सतह है और ये अणु बी है तो इनके बीच जो कार्य करेगा वो क्या है, असंजक बल। तो अपन ने देख लिया कि अगर संसंजक बल का मान इन दोनों अणु का मान अगर ज्यादा है किससे, असंजक बल से, तो ये अणु यहां इससे कम चिपकेगा जबकि इसकी तरफ ज्यादा चिपकेगा क्योंकि यहां पे बल ज्यादा कार्य कर रहा है। अगर संसंजक बल का मान असंजक बल से कम है तो द्रव की सतह पर ये द्रव चिपकेगा। इसके उदाहरण देखते हैं अपन। पारा, पारा द्रव की सतह पर, सॉरी, पारा पारा जो है वो कांच की सतह पर नहीं चिपकता जबकि पानी कांच की सतह पर चिपकता है। ये पेपर एग्जाम में पूछा जाता है कि द्रव जो है, पानी जो है, जल, वो कांच की सतह को गीला कर देता है जबकि पारा जो है वो कांच की सतह को गीला नहीं कर पाता। उसका कारण क्या है कि पारे के जो अणु हैं उनके मध्य संसंजक बल बहुत ज्यादा है इसलिए वो एक दूसरे के पास रहेंगे और जैसे ही वो कांच की सतह को छोड़ेगा तो सारा पारा जो है उस कांच की सतह से निकल जाएगा, जबकि द्रव जो जल है उसके अणुओं के मध्य असंजक बल जो है उसका मान संसंजक उसके अणु के मध्य संसंजक बल का मान असंजक बल के मान से कम होता है इसलिए वो कांच की सतह पर चिपक जाता है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट बनती है। आगे अपन देखते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव
पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव भी एक तरह से संसंजक बल पर आधारित है। किस पर आधारित है? ये संसंजक बल पर। पृष्ठ तनाव की बात करें तो पृष्ठ तनाव क्या होता है कि ये कोई द्रव है जो क्या करता है कि कम से कम क्षेत्रफल को यह घेरना चाहेगा। इसलिए क्या करता है, ये इसके अणु अंदर की तरफ एक बल महसूस करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं अपन, पृष्ठ तनाव बोलते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण ही बारिश के का जो पानी होता है उसकी बूंद गोल होती है। इसी प्रकार साबुन का जो पानी है, साबुन के जो बुलबुले हैं वो भी गोल होते हैं। इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। यहां अपन समझते हैं इसको, पृष्ठ तनाव को, ये कोई द्रव है, ये कोई द्रव है जिसकी ये सतह है। ये कौन सी सतह है इसकी? सबसे बारी सतह है। इसे अपन स्वतंत्र पृष्ठ भी बोल सकते हैं, यानी इस सतह के अणु के ऊपर कोई ऐसा अणु नहीं है जो इसको बाहर की तरफ खींचे। अब यहां अंदर जो अणु है, इन दोनों अणुओं के मध्य एक बल कार्य करता है जिसे क्या बोलते हैं अपन, संसंजक बल बोलते हैं। संसंजक बल के कारण ये दोनों अणु जो है ये एक दूसरे के पास आते हैं, और इनके मध्य अगर ये अणु इसमें बहुत सारे हैं इसलिए इनके मध्य जो बल लगता है वो उस बल के कारण ये बल इसको इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, इसलिए पूरा बल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है यहाँ पे संसंजक बल। जबकि इस पृष्ठ सतह पर, ये जो पृष्ठ सतह है इसके बाहर की तरफ कोई बल नहीं लगता लेकिन अंदर के अणु इसको अंदर की तरफ खींचते हैं। इस पृष्ठ सतह के अणु को ये क्या करेंगे, अंदर की तरफ खींचेंगे, क्योंकि नीचे वाले जो अणु है वो इस पर संसंजक बल लगाएंगे जिससे ये जो सतह है, ये जो सतह है इसमें एक तनाव महसूस होता है अपने को। उस तनाव को क्या बोलते हैं अपन, पृष्ठ तनाव बोलते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखो, द्रव का पृष्ठ सदैव एक बल महसूस करता है क्योंकि द्रव के अणु के मध्य संसंजक बल कार्य करता है जिसके कारण पृष्ठ की सतह में खिंचाव उत्पन्न होता है। द्रव के पृष्ठ पर इसी खिंचाव को पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसी तनाव को क्या बोलते हैं अपन, पृष्ठ तनाव बोलते हैं। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम होता है, क्योंकि जैसे ही अपन ताप बढ़ाएंगे तो संसंजक बल का मान जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अणु जो है वो धीरे धीरे दूर होने लग जाते हैं। जैसे ही अपन ताप बढ़ाएंगे तो द्रव जो है उसके अणु क्या होंगे, दूर दूर होने लग जाते हैं, संसंजक बल का मान कम हो जाता है, इसलिए पृष्ठ तनाव जो है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है जैसे जैसे अपन ताप बढ़ाएंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट है इसके उदाहरण, पृष्ठ तनाव के उदाहरण। पृष्ठ तनाव के उदाहरण कौन से हैं?
पहला है पृष्ठ तनाव बढ़ाकर किसी द्रव या जिसे पानी बोले में पतली सुई तैराई जा सकती है। अगर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ा दें तो उस पर सुई जो है वो भी तैरने लग जाती है। दूसरा, साबुन व अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं जिससे जल के अणु आसानी से कपड़ों में उपस्थित मैल तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि साबुन और अपमार्जक क्या है, पृष्ठ तनाव को कम कर देंगे, इसलिए क्या होगा, ये आसानी से जल जो है वो आसानी से कपड़ों तक पहुंच जाता है। तीसरा, साबुन मिलाने पर जल में बुलबुले अधिक बड़े बनते हैं क्योंकि जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अधिक बड़े इसलिए बनते हैं कि अपन ने ये कहा कि प्रत्येक द्रव के अंदर एक बल कार्य करता है और वो बल क्या वो बल प्रत्येक अणु को ये चाहता है कि वो अणु जो है कम से कम क्षेत्रफल को घेरे। जितना ज्यादा पृष्ठ तनाव होगा वो द्रव उतना ही स्पेस कम घेरेगा। अगर साबुन मिला दें जल में तो क्या होगा, पृष्ठ तनाव ये कम हो जाएगा। पृष्ठ तनाव कम होने से क्या होगा, इसके बीच में जो ये जो बुलबुला है इसका आकार बड़ा होगा क्योंकि पृष्ठ तनाव कम हो गया और पृष्ठ तनाव कम होने के कारण इसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार मिट्टी के तेल को पानी में मिलाने पर मच्छर का लार्वा या अंडे जल के तल में बैठ जाते हैं। इसलिए जहां पानी इकट्ठा हो रखा है वहां पे मिट्टी का तेल छिड़क देंगे तो वहां क्या है, मच्छर पैदा नहीं होंगे क्योंकि मच्छर का जो लार्वा है वो पानी के अंदर डूब जाएगा। अगर पानी स्थिर है तो लार्वा क्या है, उसके ऊपर घूमता रहता है। क्यों, क्योंकि ये जो द्रव है इसका पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव के कारण लार्वा इसके ऊपर रहेगा, यानी इसके नीचे नहीं जाएगा। जैसे इसमें आप केरोसिन डालेंगे तो इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा और लार्वा क्या है इसके अंदर डूब जाएगा। पांचवा, पृष्ठ तनाव के कारण ही शेविंग ब्रश के बाल पानी में निकालते ही चिपक जाते हैं, यह भी एक पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। छठा है, समुद्र की लहरों की गति कम करने के लिए
तेल का छिड़काव किया जाता है, क्या किया जाता है? तेल का छिड़काव किया जाता है। तो ये सारे उदाहरण किसके हैं? पृष्ठ तनाव के हैं। पृष्ठ तनाव के कारण ही ये सारी घटनाएं होती हैं। अब केशिकत्व है, केपिल रिएक्शन, केशिकत्व या केपिलरी एक्शन। केपिलरी एक्शन या केशिकत्व क्या चीज है? केशिकत्व किसी द्रव का किसी पतली नली से ऊपर चढ़ना ही क्या कहलाता है? केशिकत्व कहलाता है। ठीक है, पतली नली होती है और अगर इसमें यहां पे ये द्रव भरा हुआ है तो ये द्रव क्या करेगा, इस केशिका नली से बाहर निकलकर इस प्रकार बाहर गिरने लग जाता है। इसी गुण को क्या कहा जाता है? केशिकत्व कहा जाता है। जब पतली नली से द्रव बाहर निकलने लगे तो द्रव के इस गुण को केशिकत्व कहा जाता है। द्रव के इस गुण को क्या कहते हैं? केशिकत्व कहते हैं। इसमें दो घटनाएं हो सकती हैं, केशिकत्व में द्रव नीचे भी आ सकता है और केशिकत्व में द्रव ऊपर भी जा सकता है। जो द्रव कांच की सतह को भिगोता है वह केशिका नली में ऊपर चढ़ता है। दूसरा, जो द्रव कांच की सतह को नहीं भिगोता वह केशिका नली में नीचे उतरता है। केशिका नली में क्या करेगा? नीचे उतरता है। इसका उदाहरण तो है जल और इसका उदाहरण है पारा। जल केशिका नली में जल केशिका नली से बाहर निकलता है ये क्या करेगा? ये इस प्रकार से ऊपर चढ़ता है। अगर पारे की बात करें तो पारा जो है पारा इस प्रकार से इस सतह से, ये अगर द्रव की सतह इस प्रकार ऊपर है तो इससे ये हमेशा नीचे रहेगा। इस प्रकार से ये नीचे की तरफ आता है इस प्रकार से। तो जो द्रव कांच की सतह को भिगोता है वो क्या करेगा? हमेशा ऊपर चढ़ेगा। और जो द्रव कांच की सतह को भिगोता नहीं है वो क्या करेगा? नीचे की तरफ आएगा। अब इस पर आधारित कुछ उदाहरण है, केशिकत्व पर आधारित कुछ उदाहरण। इससे पहले एक चीज बता दूं कि जो द्रव है, जल की बात करें तो जल हमेशा
अगर ये केस नली है तो द्रव, अगर ये जल है तो जल हमेशा इस प्रकार से रहेगा, द्रव क्या रहेगा इस प्रकार से, कौन सा जल, जल जो है वो इस प्रकार से रहेगा पृष्ठ पर, एक सीधी रेखा में नहीं रहेगा, इसके अणु इस प्रकार से रहेंगे, इस प्रकार से, जबकि पारा जो है पारा वो इस प्रकार से रहता है, पारा इस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से, यानी इसका बीच का भाग ऊपर उठा हुआ, ये उत्तल आकार में, जबकि जल जो है वो अवतल आकार में रहता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। केशिकत्व पर आधारित घटनाएं, पहला ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही चूसना, ब्लॉटिंग पेपर जब स्याही पर रखते हैं तो वो पूरी स्याही को सोख लेता है, सोखना। दूसरा है लालटेन में बत्ती द्वारा तेल का ऊपर चढ़ना, लालटेन में बत्ती द्वारा तेल का ऊपर चढ़ना किसका उदाहरण है, केशिकत्व का उदाहरण है। तीसरा है पौधों में जल का अवशोषण, केशिकत्व द्वारा होता है, पौधे जो है कई बहुत 10-15 मीटर हाइट के भी होते हैं, लेकिन उनमें जल जो है वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर चढ़ता है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत चढ़ता है किसके कारण, केशिकत्व के कारण, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं उसके अंदर महीन नलिकाएं होती हैं और वो उन नलिकाओं के माध्यम से ही जल जड़ के द्वारा पत्ती पेड़ के शीर्ष भाग तक पहुंचता है, किसके कारण, केशिकत्व के कारण। चौथा है बारिश होने के बाद किसान द्वारा खेत को जोता जाता है ताकि उपस्थित केश नलिकाएं टूट जाएं व पानी जमीन से बाहर न आ पाए, इसलिए खेत की बारिश होने के बाद जुताई कर दी जाती है ताकि जो जल है वो संरक्षित रह सके मिट्टी में। तो ये सारे उदाहरण किसके हैं, केशिकत्व के। अब बात करते हैं श्यानता की। श्यानता द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव के अणु द्रव को बहने से रोकते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, श्यानता कहा जाता है। द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव की विभिन्न सतह के अणु ऊपरी सतह के अणुओं की गति को रोकते हैं या विरोध करते हैं। इस गुण को श्यानता कहा जाता है। इस गुण को क्या कहा जाता है, श्यानता कहा जाता है। अगर ये कोई द्रव है जिसकी विभिन्न परतें हैं,
द्रव है जिसकी विभिन्न परतें हैं, तो इनमें पी क्यू आर एस ये परत का नाम दे दिया अपन ने, इसमें द्रव है उसके एक जैसे ही अणु है और इन अणुओं के मध्य क्या कार्य करता है, एक संसंजक बल कार्य करता है, ये अपन ने पहले देख लिया। तो इस संसंजक बल के कारण द्रव के अणु क्या है, एक दूसरे के पास आते हैं। जिस द्रव का संसंजक बल ज्यादा होगा उसकी क्षमता भी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि ये जो सतह है ये अगर आगे गमन करेगी तो नीचे वाली जो सतह है उसके अणु इसका विरोध करते हैं और इसको आगे जाने नहीं देते, इसी को क्या कहा जाता है, क्षमता कहा जाता है। जो द्रव जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उसकी क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी और जो द्रव जितना पतला होगा उसकी क्षमता उतनी ही पतली होगी। जल की क्षमता पारे या शहद से कम होती है, इसी कारण जल आसानी से बह जाता है, जबकि शहद आसानी से नहीं बह पाता। आसानी से क्या है, नहीं बह पाता। जिस द्रव का जितना ज्यादा घनत्व होगा उसकी क्षमता भी उतनी ही ज्यादा होती है, उसकी क्षमता क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होती है। इसीलिए हवा में दौड़ना आसान है जबकि पानी में दौड़ना मुश्किल है। इसका कारण क्या है कि जो द्रव है पानी उसका उसकी क्षमता ज्यादा है, किसकी बजाय, हवा के अणु की बजाय, क्योंकि हवा के अणु क्या है, दूर दूर हैं, इसलिए उस हवा में दौड़ना आसान है जबकि जल में दौड़ना थोड़ा मुश्किल रहता है हवा की तुलना में। अब क्षमता का मापन, क्षमता का मापन क्षमता गुणांक द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है क्षमता का मापन, क्षमता गुणांक के द्वारा किया जाता है। क्षमता का मापन क्षमता गुणांक के द्वारा किया जाता है। क्षमता का मापन किसके द्वारा करते हैं, क्षमता गुणांक के माध्यम से करते हैं। और क्षमता गुणांक का ऐसा ही मात्रक, इसका ऐसा ही मात्रक डेका वाइज या पॉइज़ली होता है। डेका पॉइज या पॉइज़ली किसका मात्रक होता है, क्षमता गुणांक का मात्रक मात्रक होता है, यानी क्षमता के मापन के लिए डेका पॉइज का उपयोग किया जाता है। इसका अन्य मात्रक पास्कल इंटू सेकंड भी होता है। अन्य मात्रक इसका क्या होता है, पास्कल इंटू सेकंड। इंपॉर्टेंट क्या है, डेका पॉइज या पॉइज़ली, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, क्षमता गुणांक का मात्रक। तो क्षमता के मापन के लिए क्षमता गुणांक का उपयोग करते हैं और ऐसा ही मात्रक इसका क्या है, डेका पॉइज या पॉइज़ली। तो ये हो गया द्रव की संबंधित कुछ अवधारणाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।